माई चैनल गैरी वॉकर एंड आज हम लोग आ चुके हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में एंड बहुत बड़ा है। आप यहाँ से कैसे आ सकते हैं एंड क्या क्या यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ हैं? पहली बात तो यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, प्लस यहाँ की जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से आप लोग ऑटो रिक्शा ले सकते हैं शेयरिंग में। अगर लेंगे तो 20 रुपीज़ और अगर आप पर्सनल ऑटो रिक्शा लेंगे तो 50-60 रुपये में आपको नेशनल जूलॉजिकल पार्क ही वो छोड़ देगा। फिर वहाँ से आपको ऑनलाइन टिकट परचेज करनी पड़ेगी जिसकी डिटेल्स मैंने थोड़ी सी वीडियो में आगे दी है, तो आप लोग वो विजिट कर सकते हैं, मतलब वो क्लिप देख सकते हैं जिससे आप टिकट्स वगैरह खरीद लेंगे। उसके बाद आप लोग अंदर रहेंगे तो आप लोग पैदल भी घूम सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आई सजेस्ट कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शा चलती है, तो इलेक्ट्रिक रिक्शा वहाँ से ले सकते हैं जो आपको पूरा जूलॉजिकल पार्क घुमा देगी एंड वो आप कहीं से भी उतर सकते हैं, कहीं पे भी चढ़ सकते हैं एंड कहीं पे भी बैठ के आप पूरा जू घूम सकते हैं। अगर आपको उतरना है तो आप उतरिए, नहीं उतरना है तो आप पूरा जू ऐसी 5-10 मिनट में भी घूम कर आ सकते हैं एंड उसकी जो टिकट प्राइस है वो है 70 रुपीज़, वो मैंने आगे पूरी डिटेल में बता रखा है आप कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड दिल्ली की जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं मैं अभी कमिंग वीडियोस में कवर करने वाली हूँ, तो अगर आप लोग भी दिल्ली विजिट करने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय। सो गाइज, अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, बट अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो यहाँ का नियर बाय बस स्टैंड जू है एंड नियर बाय मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से आप गेट नंबर 3 से या गेट नंबर 2 से एग्जिट ले सकते हैं एंड वहाँ से आपको 30-30 रुपीज़ का ऑटो रिक्शा शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जू पहुँच सकते हैं एंड अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप रैपिडो भी बुक कर सकते हैं, मैंने रैपिडो बुक करी थी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से एंड वहीं जाके आप ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं। इस टिकट ले लिया मैंने और यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है मेरे पीछे, अभी देखो इतनी बड़ी लाइन है, कितनी बड़ी लाइन है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब मैं जू क्यों आई हूँ, बट ठीक है यहाँ से पास पड़ रहा था। 80 रुपये की टिकट है, 20 रुपये के इनके चार्ज हैं, बट अब इन्हीं से बनवा लोगे तो सही है, बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 2 से हम लोग एंट्री लेंगे। गाइस मैं लाइन में लग गई हूँ यहाँ पे एंड भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख रहे हो, देखो बहुत बड़ी लाइन है और शायद ही मेरा गलत डिसीजन था यहाँ पे आने का, बट ठीक है टाइम पास तो करना था, कुछ ना कुछ करके तो मैंने सोचा कि जू ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ एंट्री यहीं से ही है। अब क्या हाँ गर्ल्स बॉयज यूनिसेक्स सब सारे यहीं से ही है, सारे यहीं से निकल रहे हैं, देख तो मेरे को भी यही रहे भाई। आपने वैसे सुन लिया होगा बहुत जोर जोर से चिल्ला के इन्होंने बोला है कि खाने का सामान यहाँ अंदर नहीं जाएगा, तो आपके पास जो भी अगर खाने पीने का सामान है वो आपको क्लॉक रूम में या फिर कहीं पे सबमिट करना पड़ेगा। सो गाइज, आपको अगर सामान सबमिट करना है तो आप लोग क्लॉक रूम जा सकते हैं एंड क्लॉक रूम में छोटे बैग के चार्जेस हैं 30 रुपीज़, बड़ा बैग होगा तो 50 रुपीज़ एंड बाकी सारे गैजेट्स वगैरह यहाँ पे अलाउड है, वो आप अंदर लेकर जा सकते हैं। एंट्री ले ली और एंट्री होने के बाद ये बहुत चौड़ी चौड़ी रोड रहेगी, मतलब आपको ये काफ़ी बड़ा बड़ा दिखने लगेगा एंड अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ेंगे फिर एक गोल सा बड़ा सा चक्कर काट के पूरा जूम घूमते जाएंगे। भाई जू में हमने एंट्री ले ली है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और वहाँ से देखते हैं, मैंने देखा था कि यहाँ पे एक टैक्सी चलती है 100 रुपये में आपको पूरा जू घुमा देगी, वो वाली टैक्सी देखते हैं अंदर मिल रही है नहीं मिल रही, बट मिल भी रही होगी ना तो भीड़ इतनी है कि मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। भाई आपको क्या लगता है कि आज हमें कौन से जानवर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, मतलब कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? मेरे को जैसे किताबों के बारे में नहीं पता, मुझे फूलों के बारे में नहीं पता, ऐसे मेरे को जानवरों के बारे में भी नहीं पता, मेरे को एनिमल्स के बारे में बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखते हैं यार अभी अंदर जा रहे हैं, अभी यहाँ पे 2 वे दिख रहे हैं, 1 वे से जैसे आप अंदर जाओगे आप पूरा जू घूम सकते हो एंड उसी साइड वाले वे से आप लोग वापस आ सकते हो। आपको नहीं फोटो स्टेप फॉलो करने हैं, मेरे को लग रहा है मेरे को पूरा जू घुमा सकते हैं, इनके पीछे पीछे चलूँगी तो मैं। चेतावनी मेंशन कर रखी है, डू नॉट टीज जू एनिमल्स और एनी अदर एनिमल्स वरना आपको बाहर भगा देंगे एंड यहाँ से ही एनिमल्स स्टार्ट हो गए हैं, देखें यहाँ पे क्या लोग घूर घूर के देख रहे हैं सब कुछ।
कुछ भी नहीं है, ब्लैक स्वैन, काले गदर कलर की सिर्फ एक ही बतख दिख रही है। हमने एंट्री करी थी एंड एंट्री करने मतलब एंट्री के लिए हमने दिए थे 80 रुपीज़ एंड अभी हम दोबारा से ई रिक्शा के लिए लाइन में खड़े हैं। ई रिक्शा की फॉर एडल्ट्स टिकट है 70 रुपीज़। यहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी जो कि आप ई रिक्शा वालों को दिखा सकते, कहीं से भी बैठ सकते हैं। बहुत बड़ा जू है एंड मैं अपने पैरों को नहीं तोड़ूंगी भाई, मैं रिक्शा ले लूँगी। 70 रुपये की बात है, इतने पैसे नहीं बताऊँगी मैं कहीं पर भी। बैटरी रिक्शा की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और अभी यहाँ से टिकट की लाइन लगी हुई है। अभी हम लोग यहाँ पे ही टैक्सी में बैठ चुके हैं एंड देखो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता यहाँ का फर्स्ट स्टॉप क्या है, तो जहाँ पे भी रुकेंगे वो हमारा फर्स्ट स्टॉप हो जाएगा। यहाँ का मैप है एंड इस मैप को फॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा है यहाँ पे क्या क्या है। और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, ये दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे मंकी है, मंकीज, इनको फीड कराना सख्त मना है। यहाँ पे आपको दिखेगा लायन टेल मसाक, बॉनेट मसाक, हॉट डियर, सिक्का डियर, सांबर डियर। भाई देखो ये रहा मंकी यहाँ पे एंड मैं और जूम नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं इतना स्टिल है, पूरे उसमें सिर्फ एक ही मंकी है। गाइस अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप आ चुका है एंड फर्स्ट स्टॉप पे हम लोग मंकीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें से मेरे को सिर्फ एक ही मंकी दिखा है अभी तक। दूसरे वाले स्पॉट पे मेरे को कोई मंकी या कुछ नहीं दिखा है। बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं राउंड राउंड फुटपाथ पे, वहाँ पे देखते हैं कि और कोई मंकीज हमें या फिर कोई और एनिमल हमें दिखता है या नहीं दिखता है। होपफुली दिख जाए भाई, मैंने 70 रुपये पे ही करा है। भाई देखो उन सामने ही उनका घर है और वो बिल्कुल लायन की तरह लग रहा है, इसलिए लायन मतलब लायन में साफ ऐसा कुछ बोला था जो मेरे को नहीं पता है। गाइस ये नॉर्मल मंकीज हैं एंड ये तो आपको पहाड़ों पे इजीली मिल जाएंगे, कहीं पे भी मिल जाएंगे। इनका एग्जैक्टली नेम जो है वो बॉनेट मजाक है। अब हम जा रहे हैं हॉक डियर सांबर डियर के पास, देखते हैं डियर वियर हमें कुछ दिखते भी हैं या नहीं दिखते, मंकीज की तरह तो नहीं है। गाइस ये हॉक डियर वाला प्लेस है बट डियर मेरे को एक भी नहीं दिख रहा है अभी तक तो, दूर दूर तक। बाकी देखते, फाइनली मेरे को एक सांबर डियर दिख रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे डियर हैं, दिख नहीं पा रहे हैं बट यहाँ पे काफ़ी सारे डियर आपको दिख जाएंगे, सामने भी है देखो। बहुत देर के बाद मेरे को एक छोटा सा बेबी हिरन दिखा एंड सांबर डियर दिखा और कुछ नहीं दिखा मेरे को यहाँ पे। मैंने दो हिरन देखे हैं, एक दो मंकीज देखे हैं अभी बस। गाइस यहाँ पे गौर है एंड यहाँ पे मेरे को दो दो गौर दिख रहे हैं। ये हमारा सेकेंड स्टॉप था लेकिन लोग उतरे नहीं। सामने को ना लग रहा है सारे जानवर सो रहे हैं, एक भी जानवर ढंग से देखने को नहीं मिला। अभी लोमड़ी वाले में गई थी तो लोमड़ी भी अंदर गड्ढे के अंदर थी, सो रही थी। यहाँ पे चलाक कैट्स भी हैं, वो भी नहीं दिखी मेरे को, स्मॉल स्मॉल कैट्स, तो कुछ भी नहीं दिखा मेरे को। फाइनली मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे लोग देख क्या रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, लोगों को पता नहीं क्या दिख रहा है। अब मैं थर्ड स्टॉपेज पे रुकूंगी एंड अभी मैं वेट करूंगी यहाँ पे टैक्सी का। बर्ड्स वाली जगह पे देखना बस। भाई बंदा कौन सा दिखे? कोई लोमड़ी नहीं है, कोई लोमड़ी नहीं दिखी, कोई बिल्ली नहीं दिखी अभी तक। देखो लेफ्ट साइड यहाँ पर गेंडा है सामने और राइट में भालू है, इधर भालू है, भालू देख के इधर ही आ जाना, ऐसी गाड़ी मिलेगी। उन्होंने थर्ड स्पॉट पे रोक दिया है, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है गेंडा और राइट हैंड साइड पे है भालू। और अभी मैं गेंडा देखने जा रही हूँ, मैं गेंडे जैसी नहीं हूँ बट मैं गेंडा देखने जा रही हूँ।
डायनासोरस, यहाँ पे डायनासोरस है, गैंडा गैंडा देखो, वो देखो, दिख रहा है गैंडा? फोकस करके देखो गैंडे को, बहुत मोटा है भाई, बहुत मोटा है। गाइस मैंने अभी गैंडा देखा, भालू देखने का टाइम मेरे को मिला नहीं, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि आगे जो मेन मेन जानवर है वो सब बंद हो जाएंगे, लेट हो रहा है बिकॉज, तो मैं जा रही हूँ आगे ही, आगे से फिर मैं दोबारा से टैक्सी लेने वाली हूँ। गाइस यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटीज भी है। गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं मार्श क्रोकोडाइल्स, जो देखो वो रहे सामने, एक्चुअली वो लैंड के कलर से मैच कर रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी टाइप में है, तो पता ही नहीं लगा था मेरे को कि वहाँ पे क्रोकोडाइल भी है, पानी के अंदर नहीं है, ऐसा लग रहा है सो रहे हैं। क्रोकोडाइल देखा है एंड मेरे को जितना पता लगा है ना, यहाँ पे जो लायन है वो, लायन के जो गेट्स हैं वो 4:30 बजे बंद हो जाते हैं, एंड मेरे पास अभी सिर्फ 15 मिनट है, अगर मैं पहुँच पाई तो मैं लायन देख लूँगी, वरना मैं आप सबको लायन नहीं दिखा पाऊँगी। यहाँ पे एशियाटिक लायन है, बट आई एम नॉट एबल टू स्पॉट दैट लायन, ये देखो जूम करके दिखाती हूँ, ये रहा लायन, एशियाटिक लायन। यहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल्स एंड वहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल स्पॉट कर पा रहा हूँ, स्पॉट पे हमने देख लिया क्रोकोडाइल, ठीक है, एंड उसके बाद हमने एशियाटिक लायन देखा है एंड हॉर्नबिल देखा है, एंड टू बी नोटेड ये 4:30 बजे ही वाले गेट्स बंद हो जाते हैं, वैसे जू खुला रहेगा, बट अगर आपको लायन वगैरह देखने हैं तो आप 4:30 बजे तक जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस वाले स्टॉप पे, मतलब थर्ड स्टॉपेज पे आप लोग पहुँच सकते हैं। ये है यहाँ का 11th स्टॉपेज एंड यहाँ पे हाथी दिख रहे हैं आपको, अगर थोड़े बहुत भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे दो तीन चार डेंस हैं, वहाँ पे आपको हाथी दिख जाएंगे, एंड अभी हम लोग टैक्सी लेंगे। बच्चे बहुत सही फोटो सेशन करा रहे हैं अपना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ मेरे को यहीं पे दिख रही है, एंड भाई बहुत भीड़ है, एक्स्ट्रा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे टाइगर था ये वाला, बट वो अभी पता नहीं कहाँ चले गए, वो अंदर घुस गया अपने डेन में, निकल भी नहीं रहा है। फाइनली हम लोग जू से निकल रहे हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, टू ड्रॉप योर कमेंट अगर आपको पसंद आया वीडियो, विल कम बैक सून विद मोर डेली व्लॉग्स, स्टे ट्यून्ड।